वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनी बॉडी कैन स्टडी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज ऑफ द ईयर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको हमको याद करना चाहिए, जिससे पूछा जा सकता है सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम में। ये सबके लिए बेनिफिशियल है, क्लास सिक्स हो चाहे नाइन्थ हो चाहे इलेवेंथ हो चाहे जिस क्लास के भी हो। तो सभी इस वीडियो को देखें, हमने ये वीडियो इससे पहले भी पब्लिश किया था। ठीक है, तो उसमें तो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, वीडियो को धुंधला दिख रहा था, इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। पिछली बार हमने इस वीडियो को मतलब वर्टिकल अपलोड करने की कोशिश की थी ताकि आप लोगों को पूरा एक पेज का व्यू दिख सके, लेकिन वैसे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसीलिए इसको दोबारा अपलोड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल व्यू में। तो ठीक है, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो नेशनल यूथ डे हो गया। ठीक है, इस दिन जो है स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे है, उस इन्होंने जो है यूथ पावर पे काफ़ी जोर दिया था, काफ़ी बातें बताई थी इनकी, इसलिए इनके जन्मदिन को जो है हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं। इसके आगे बढ़ के बात करेंगे नेशनल टूरिज्म डे, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो हम सभी का नहीं बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे। और ठीक है, और एक ये इम्पोर्टेंट है मार्तियर डे। ठीक है, 30 जनवरी को मनाया जाता है, जो इसको पढ़ लें। ठीक है, मार्तियर डे या जो पढ़ लें, तो इस दिन जो है गांधी जी का निधन हुआ था, वो गांधी जी शहीद हुए थे, तो उनके इस अवसर पे जो है हम मनाते हैं शहीद दिवस। इसको हिंदी में बोलते हैं शहीद दिवस। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, और बात करेंगे नेशनल साइंस डे की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन जो है महान साइंटिस्ट चंद्रशेखर वेंकटरमन जो है उन्होंने एक डिस्कवरी की थी जिसको नाम दिया गया उन्हीं के नाम पर, रमन इफेक्ट। उन्होंने डिस्कवरी की थी 28 फरवरी 1928 में, उसी के 2 साल बाद इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया 1930 में। पहली बार कोई व्यक्ति है जो इन्होंने साइंस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ पाया था, इसीलिए उनके इस कंट्रीब्यूशन को देखते नज़र नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। और आगे बढ़ेंगे बात करेंगे इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे, सब याद कर लीजिएगा आप लोग, इंटरनेशनल लेबर डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, एंटी टेररिज्म डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इंटरनेशनल योगा डे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल योगा डे जो है आपका 21 जून को मनाया जाता है। ये हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा जो है इसको लागू किया गया है, लाया गया है। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे कारण सुन लीजिए, बहुत ही हिस्टोरिकल कारण है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट। जो वर्ल्ड वार सेकेंड जब ख़त्म हुआ था 1945 में, तो कैसे ख़त्म हुआ था वही कारण है। 6 अगस्त को जो अमेरिका वालों ने, यूएसए वालों ने जापान पर हिरोशिमा नामक शहर में जो है न्यूक्लियर बम कर लिया, एटम बम उसको गिराया था, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए। और फिर दूसरा बम जो है 9 अगस्त को नागासाकी शहर में गिरा दिया गया, जिसके बाद जो है 15 अगस्त को जो है जापान गवर्नमेंट सरेंडर कर दिया, हार मान ली यूएसए गवर्नमेंट से, उसके बाद यह विश्व युद्ध ख़त्म हुआ। तो सबसे पहला जो न्यूक्लियर बम गिराया गया था वो 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा शहर में, इसलिए इसको हिरोशिमा डे के नाम से मनाया जाता है। मनाने के पीछे कारण ये है कि दोबारा ऐसा विध्वंसकारी कोई भी कार्य न हो हमारे इतिहास में जिससे इतना बड़ा नाश हो, इसलिए दोबारा तो उसने फिर दोबारा वो लोग मिले, सहमति किए कि ऐसा दोबारा बम नहीं गिराया जाएगा। आगे बढ़ेंगे 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, ध्यान दीजिएगा हमने जो एक था नेशनल यूथ डे था, यही इंटरनेशनल यूथ डे है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन जो है ध्यानचंद जी का बर्थडे है। ठीक है, ध्यानचंद कौन थे? ध्यानचंद जो थे एक हॉकी के प्लेयर थे जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इनके कैपेसिटेंसी में जो है इंडिया कई बार ओलंपिक गेम जीती है, इसीलिए इनके बर्थडे को जो है एज अ नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, सब लोग जानते हैं आप लोग, इस दिन डॉक्टर राधा कृष्णन जी का जो है जन्मदिन हुआ था। हिंदी डे 14 सितंबर को मनाया जाता है, और इस दिन क्या हुआ था, 14 सितंबर 1949 में जो है हिंदी को एज अ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया स्वीकार किया गया था। ठीक है, अभी भी कोई भी इंडिया का नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। ठीक है, बात ध्यान दीजिएगा, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ओजोन डे हो गया, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर जो है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे भी है, तो स्पेशली महात्मा गांधी जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस थे अपने अहिंसावादी के लिए, तो उन्हीं के बर्थडे पे जो है ये मनाया जाता है।
यूनाइटेड नेशन डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन हुआ क्या था, वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म होने के बाद जो फिर कई करीब 51 कंट्री 51 कंट्रीज आ गए और इस बात पे सहमत हुए कि फाउंडेशन एक संस्था बनाए कि दोबारा इस अर्थ पे इस दुनिया में दोबारा ऐसा विश्वयुद्ध ना हो, क्योंकि इससे काफ़ी जन का धन का हानि हुआ, दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए ये जो है नेशन बनाया गया, जो बनाया गया था ये 24 अक्टूबर को बनाया गया था 1945 में, ठीक है। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, और ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आगे ऐसे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और आप लोग, एक और गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, काफ़ी कम लोग लाइक करते हैं हम देखते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।